अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका टीचर हसान अयूब। आज लेक्चर 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं और कौन कौन सी पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द डिवाइसेस डेट आर यूज टू कंट्रोल द पोजिशन ऑफ अ कर्सर और पॉइंटर ऑन द स्क्रीन आर रेफर्ड एज पॉइंटिंग डिवाइसेस। अब कर्सर देखने कौन सा होता है, जब आप कुछ टेक्स्ट फाइल लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको टेक्स्ट के दरमियान या जहाँ पे भी आप लिख रहे टाइप कर रहे होंगे वहाँ पे इस तरह का आई ब्लिंक करता नज़र आता है, इसको हम कहते हैं कि ये कर्सर है। इसके अलावा पॉइंटर क्या चीज़ होती है, ये स्क्रीन के ऊपर भी अभी आपको इस तरह का शो हो रहा है, इसको हम कहते हैं कि ये पॉइंटर है। पॉइंट करना क्या मतलब है, किसी तरफ कोई इशारा करना। तो अब मैं अगर पॉइंटिंग के ऊपर लेके जा रहा हूँ तो आप देखें आपको पॉइंटर इस जगह पे नज़र आ रहा है, मैं पोजीशन के ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ तो ये आपको पॉइंट करके इस जगह पे ले आया है। तो इस वजह से हम ऐसी डिवाइसेस जिनकी मदद से हम कर्सर को या पॉइंटर को स्क्रीन के ऊपर मूव कर सके उन डिवाइसेस को हम कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन कौन सी है वो देख लें। माउस आप यूज़ करते हैं, ट्रैक बॉल, पॉइंटिंग स्टिक, जॉयस्टिक, टच पैड, ये तमाम की तमाम डिवाइसेस हमने इसी लेक्चर के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर इनकी एप्लीकेशंस वगैरह डिस्कस करनी है। सबसे पहले माउस देख लें, तकरीबन आप में से तमाम बच्चों ने माउस को देखा हुआ होगा, यूज़ भी किया हुआ होगा मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ मकामात के ऊपर। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस विच हैव अ बॉल ऑन इट्स अंडर साइड दैट इज रोल्ड ऑन अ फ्लैट सर्फेस और अ माउस पैड। ये बॉल वाली जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, आजकल शायद ही कोई बॉल वाला इस तरह का माउस यूज़ होता हो। इसके नीचे एक्चुअली होता ही है कि ये बॉल आपके माउस के नीचे होती है। अब ये आप देख रहे होंगे कि ये नीचे लाइट शो हो रही है, इस बॉल वाले में ये लाइट नहीं होती, बॉल होती है, और आप उसको फ्लैट सर्फेस के ऊपर जैसे ही रोटेट करते हैं तो वो स्क्रीन के ऊपर आपका पॉइंटर मूव करने लग पड़ता है। माउस पैड क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस होती है जिसको आप अपनी बुक के ऊपर रख के माउस को उसके ऊपर यूज कर सकते हैं। द रोलिंग मूवमेंट कॉसेस द करस्पॉन्डिंग कर्सर मूवमेंट ऑन द स्क्रीन। अब जिस डायरेक्शन में आप माउस को मूव करेंगे और उसके अंदर ये जो बॉल होगी वो भी रोटेट करेगी तो उसके रिएक्शन में क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर आपका जो ये वाला पॉइंटर शो हो रहा होता है वो भी उसी डायरेक्शन के अंदर मूव होना स्टार्ट हो जाता है। लेटेस्ट माउसेस यूज लेजर लाइट टू डिटेक्ट माउस मूवमेंट, ये बता दिया अभी मैंने आपको कि ये वाली टेक्नोलॉजी पुरानी है, आज शायद ही किसी जगह यूज होता हो। आजकल जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो लेजर या ऑप्टिकल माउसेस होते हैं जिनके अंदर लाइट आपके सरफेस के ऊपर फॉल करती है, वो जैसे जैसे आप उस माउस को मूव करते हैं वो लाइट की मदद से अंदर सेंसर्स होते हैं वो सेंसर्स डिटेक्ट करते हैं कि माउस किस डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर रहा है या मूव कर रहा है। लेफ्ट बटन इज यूज टू सिलेक्ट, सॉरी, यूजली माउस हैव टू बटन्स ऑन इट्स टॉप नेम्ड एज लेफ्ट बटन एंड राइट बटन। आपको इस फिगर के अंदर शो हो रहा होगा, ये इसको हम कहते हैं लेफ्ट बटन है और इस बटन को हम कहते हैं राइट बटन। लेफ्ट बटन इज यूज्ड टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट आपके माय कंप्यूटर का आइकन शो हो रहा होता है या रिसाइकल बिन का आपका आइकन शो हो रहा होता है या कोई भी फाइल या फोल्डर आपने बना के सेफ की हुई है उसको अगर आप ओपन करना चाहते हैं या सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप माउस का ये लेफ्ट बटन सिंपली क्लिक कर, सिंगल क्लिक से वो चीज़ आपकी या ऑब्जेक्ट आपका या फाइल आपकी सेलेक्ट हो जाती है, जब आप डबल क्लिक करते हैं तो वो फाइल आपकी वहाँ पे ओपन हो जाती है। राइट बटन क्या करता है, आपने अगर कोई एक फाइल, सपोज मैं कह देता हूँ ये एमएस, ये मैंने सपोज मैं कह देता हूँ कि ये मैंने एमएस वर्ड की एक फाइल बनाई हुई है, इसकी मैं प्रॉपर्टीज या नेम चेंज करना चाहता हूँ या इसका साइज वगैरह देखना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा तो उसके रिजल्ट में इस तरह की एक आपका पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाएगा, उसके अंदर आप जो भी मजीद एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक माउस की मैंने पिक्चर आपको दिखा दी है,
इसके अंदर ये आप एक बॉल आपकी यूजली होती है जिसको आप स्क्रॉल करने के लिए यूज करते हैं, और इसके साथ 20 सेंसर्स लगे होते हैं। सेंसर्स का काम ये होता है कि बॉल को आप किस डायरेक्शन, क्लॉकवाइज मूव करें, एंटी क्लॉकवाइज मूव करें। तो इस जैसे जैसे आप इस बॉल को रोटेट करते हैं वैसे ही आपकी वो पेज या डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी स्क्रॉल होने लग पड़ते हैं ऊपर या नीचे। इसके अलावा आपको ये चीज़ एक बतानी है कि ये जो इनपुट डिवाइसेस या पॉइंटिंग डिवाइसेस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कुछ डिवाइसेस होंगी जो कि वायर्ड होंगी, इनके साथ आपकी कोई ना कोई केबल लगी होगी जिसको आप कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे, ये आप देख रहे हैं या आप इसको देख लें। और कुछ डिवाइसेस होती हैं, इवन माउसेस भी हैं, वायरलेस हैं, जो जिनको आप अपने लैपटॉप के साथ या ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगली डिवाइस आप देखें, ट्रैक बॉल होती है। ट्रैक बॉल और माउस का थोड़ा बहुत डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। ट्रैक बॉल का मकसद ये होता है कि माउस को आप क्या करते हैं, आपका अगर ये माउस मैंने बना दिया है तो इसको आपको रोटेट करना पड़ता है इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन या जिस साइड में भी आपने पॉइंटर को लेके जाना होगा, आपको ये माउस रोटेट करना पड़ता है। मगर इसके माउस के ऑपोजिट ट्रैक बॉल क्या होती है, इसको आपने एक ही जगह पे स्टेशनरी रखा होता है। स्टेशनरी का मतलब होता है कि वो चीज़ वहाँ से मूव नहीं हो सकती, और बॉल हम इसके नीचे रखने की बजाय हमने बॉल इसके ऊपर लगा दी होती है। तो इस बॉल को आप अपनी हथेली, जो हाथ की हथेली होती है, या फिंगर्स की मदद से भी आप इसको बॉल को रोटेट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप बॉल को रोटेट करेंगे, स्क्रीन के ऊपर जो आपका ये पॉइंटर या कर्सर होगा वो अपनी पोजिशन चेंज करता रहेगा। सम ट्रैक बॉल्स हैव एडिशनल बटन्स हुज फंक्शंस वेरी डिपेंडिंग ऑन द सॉफ्टवेयर। आमतौर पे तो ट्रैक बॉल के ऊपर दो बटन्स ही होते हैं जो कि माउस के ऊपर होते हैं, लेफ्ट क्लिक के तौर पे और राइट क्लिक के तौर पे जो काम कर रहे होते हैं। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स के हिसाब से कुछ लेटेस्ट जो ट्रैक बॉल्स हैं वो उनके ऊपर एक से ज़्यादा बटन्स होते हैं, ये आप देख रहे हैं। डिपेंड करता है किस तरह की एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं और इनका पर्पस या मकसद क्या होगा। गेमर्स जिस तरह इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बटन्स रिक्वायर्ड होते हैं। इट लुक्स लाइक अ माउस अपसाइड डाउन, मतलब माउस को आप ऐसा करें कि माउस है, आप इसको डाउन कर दें तो बॉल आपके ऊपर आ जाएगी और बटन्स भी आप इसको ऊपर लगा दें। इट डज नॉट नीड मच स्पेस फॉर रोटेशन। आप देख रहे हैं कि इसको एक ही जगह पे रखा हुआ है, आप इधर से बटन प्रेस करेंगे जो भी आपको काम होगा, इधर से बॉल रोटेट कर लेंगे, तो इसका स्पेस इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती। आप इसको एक ही जगह स्टेशन भी कर देते हैं, उसको यूज करते रहते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर्ड फ्लैट सरफेस फॉर बॉल रोटेशन, जैसा कि माउस में एक डिमांड होती है कि उसके लिए माउस पैड या फ्लैट सरफेस हो, वैसा इधर नहीं होता। आप इसको किसी भी जगह पे रख दें, नीचे जमीन के ऊपर या चेयर के ऊपर रख दें या किसी जगह पे भी आप उसको रख दें, उसके बाद आप उसको जिस पर्पस, जिस मकसद के लिए भी यूज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर एक चीज देख लें, सर्च का एक वर्ड लिखा होगा। सर्च का मतलब होता है इजाफा, मतलब जब लैपटॉप्स वगैरह आए थे तो उसके लैपटॉप्स के साथ साथ ट्रैक बॉल का यूज भी काफी सर्च कर गया था, इजाफा उसका हो गया था। मतलब जो ट्रैवलर्स होते थे वो अपने साथ लैपटॉप्स रखते थे, माउस को तो यूज नहीं कर सकते, फ्लैट सर्फेस आमतौर पर अवेलेबल नहीं होती, तो वो ट्रैक बॉल को अपने लैपटॉप के साथ रख देते थे ताकि वो जिस जगह भी ट्रेवल कर रहे हों, गाड़ी के अंदर, बस के अंदर, तो वो इजीली इसको यूज कर सकें। इसके बाद अगली पॉइंटिंग डिवाइस जो है वो पॉइंटिंग स्टिक है। पॉइंटिंग स्टिक्स में सबसे पहले तो आप ये फिगर देख लें, इसमें बी एच और जी कीज के दरमियान आपकी एक छोटा सा जैसे पेंसिल इरेजर होता है, रबर टाइप होता है, वैसे ही उसी साइज की आपके इन बटन्स के दरमियान में ये की होती है। इसको भी आप पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पे यूज़ करते हैं, क्योंकि आप जब इस रबड़ को या पेंसिल टाइप इरेजर को या पॉइंटिंग स्टिक को अपनी फिंगर के साथ प्रेस करते हैं, जिस डायरेक्शन में भी आपने इसको सपोज इस तरफ प्रेस किया है, तो वो आपका जो माउस पॉइंटर होगा वो स्क्रीन के ऊपर वाली साइड पे मूव करने लग पड़ेगा। इट लुक्स लाइक अ पेंसिल इरेजर, जैसा पेंसिल के बिल्कुल एंड पे आपका एक इरेजर सा लगा होता है, रबर टाइप होता है, बिल्कुल वैसी ही ये शो हो रही होती है। इट इज लोकेटेड बिटवीन जी एच एंड बी, ये वाला पॉइंट आपके एमसीक्यू में आता है कि ये कौन कौन से कीज के दरमियान होती हैं, जी एच और बी। ये आप इधर देख सकते हैं, जी है, एच है और बी की के दरमियान है। वी मूव द पॉइंटिंग स्टिक विद अवर फोर फिंगर वाइल यूजिंग द थंब टू प्रेस द बटन्स लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ स्पेस बार।
मतलब आप इसमें सिंपली करते क्या है कि अपनी फोर फिंगर्स के साथ उसको प्रेस करेंगे जिस डायरेक्शन में भी, और साथ उस आप कोई भी बटन प्रेस करना चाहते हैं जो आपके स्पेस बार के सामने हो वो आप इजीली प्रेस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपका ये वाला पॉइंटर भी स्क्रीन के ऊपर रोटेट करने लग पड़ेगा। सम ऑफ द लेटेस्ट लैपटॉप्स डू नॉट हैव द पॉइंटिंग स्टिक। आजकल जो लैपटॉप्स आ रहे हैं या माउसेस आ रहे हैं उनके अंदर पॉइंटिंग स्टिक मौजूद नहीं होती, क्योंकि माउस या बाकी डिवाइसेस ऐसी आ चुकी हैं कि उनके अंदर ही ये वाले तमाम के तमाम फिक्स की गई हैं चीज़ें या इश्यूज़ को, तो इसकी ज़रूरत मॉडर्न या लेटेस्ट लैपटॉप्स के अंदर नहीं है। इसके बाद जो बाकी पॉइंटिंग डिवाइसेस रहेगी हम इसी लेक्चर की पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।